अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के बाहर। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए फिर से दुखद समाचार है। अभी कुछ देर पहले जो है हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि हादसा जो है वो खलैनी चेक पोस्ट के पास में हुआ है और गाड़ी जो थी वो बलेनो गाड़ी थी, JK06A नंबर की गाड़ी थी जो नीचे जो है वो खाई में गिर गई है। और अगर हम नुकसान की बात करें तो इस वक्त जो है उसमें जो है सूत्रों के समय ये बताया जा रहा है कि 4 व्यक्ति जो थे वो सवार थे, 2 बच्चे थे, एक लेडीज़ थी और एक जो है वो जेंट्स था और चारों के चारों जो है वो डोडा के हैं। आपको बता दें एक उनमें से जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो 3 और पेशेंट्स हैं उनको भी अभी के टाइम जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ये हम आपको अभी की बड़ी अपडेट दे रहे हैं, डोडा से दे रहे हैं, जो इस वक्त डोडा में फिर से एक दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया है। आपको बता दें हर हमेशा हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि चिनाब वैली जो है मौत का कारखाना बन के रह गया है। अमूमन जब भी हम चिनाब वैली की बात करें, जब भी हम यहाँ से आपको अपडेट देते हैं तो यही अपडेट देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और हर हमेशा आपको यही अपडेट देते हैं। जाइए बाकी सब अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेज़बान को सलाम। Okay, I'm going to go to the next one.